मॉर्निंग एवरीवन। तो न जाने क्यों आज बहुत गाने का दिल किया बारिश देख के। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह सुबह देखिए थोड़ा फ्रूट्स के साथ मैंने अपना दिन शुरू किया है, ये पपाया के साथ। तो आज बहुत सारा कुछ डिशेस अभी बनाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो इसीलिए अभी मेरे ब्लॉग में खाना ही ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगा। तो सो दैट देखिए आज मैं दाल पूरी बनाऊंगी। तो दाल पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये जो चने के दाल होता है उसको भिगो के थोड़ा बहुत सूखा के फिर इसको पीस लेंगे देखिए। और ये जो मैदा है थोड़ा मैदा को भी मैंने पहले से गूंथ के रख दिया है और इसको रेस्ट करने दे देंगे अभी आधा घंटा। इसके बाद दाल पूरी बनाएंगे। ये देखिए दाल भी पीस लिया मैंने और ये देखिए ये दाल पूरी गर्मा गर्म बन के तैयार है। और अगर पूरा रेसिपी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, मैं इसका प्रोसीडियर आपको बता दूंगी कैसा होता है। और दोस्तों ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये आलू मटर की जो सब्ज़ी बनी थी बहुत ही अच्छी बनी थी इसके साथ। देखिए मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ सामने से, ये देखिए एकदम क्रंची क्रंची जो होती है ना बहुत ही अच्छी बनी थी दाल पूरी, ये देखिए। और ये आलू की सब्ज़ी के साथ तो जैसे चार चांद लग गई थी इसमें। फ्रेश बास्केट जो है ये यहाँ से मैंने अभी ऑनलाइन अभी फिश जो ये परचेज़ किया है। और अभी तो लॉकडाउन में फिश मिल नहीं रहा है तो अभी हम बोल सकते कि एक महीना बाद ही हमें फिश मिला है। और बहुत ही अच्छा फिश इन्होंने पैक करके दिया है। और ये है, आप अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और आपको अगर फिश चाहिए तो आप भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका फीस भी बहुत ही अच्छा था, एकदम फ्रेश फीस था। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये फ्रेश फिश जो है और इसमें थोड़ा सा फिश का जो अंडा होता है वो भी था, मतलब माछे डीम जो बोलते हैं, ये देखिए माछे डीम। और ये रहू फिश था 1.5 किलो के करीब रहू फिश। और ये चिंगड़ी जो है बागदा चिंगड़ी, तो यही है बागदा चिंगड़ी। तो चलिए अभी फिर नेक्स्ट आपको जो है ये देखिए धो के मैंने रख दिया है फिश को सारा बहुत अच्छा से। और जो चिंगड़ी मच्छी है उसको भी अच्छा से धो लिया है और अच्छा से धो के अभी जो चिंगड़ी मछली को ये देखिए मैंने दोनों दो हिस्से में बांट लिया है। तो अभी जो ये है ये डाब चिंगड़ी बनेगा और अभी इसको फ्रिज डीप फ्रिज में रख देंगे। तो देखिए अभी जो डाब चिंगड़ी है उसको बनाने के लिए मैं सरसों और पोस्तो एक साथ इसको पीस लेंगे। और ये है नारियल का दूध, ये नारियल का दूध निकाला है मैंने। और ये चिंगड़ी फिश है। तो चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीड्योर डाब चिंगड़ी बनाने के लिए क्या क्या लगता है। अभी जो डाब चिंगड़ी है इसको बनाने के लिए यहाँ पे चिंगड़ी फिश ले लिया है और ये हरी मिर्च और ये नारियल का जो मिल्क है नारियल मिल्क कोकोनट मिल्क और ये पपी सीड और सरसों का पेस्ट, ये सरसों का तेल और ये हरी मिर्च कुटी हुई और ये नमक हल्दी और एक मैंने डाब ले लिया है नारियल कच्चा नारियल और इसका अंदर का जो नारियल है उसको निकाल लिया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसीड्योर फिर जाते हैं हम नेक्स्ट बनाते हैं।
तो अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा नमक दे देंगे, देखिए, और थोड़ा सा हल्दी दे के इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब इसको फ्राई करके रख लेंगे। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब जो सरसों का पेस्ट, उसके बाद जो तेल था, नमक था, जितने भी इंग्रेडिएंट्स था, सब एक साथ एक बाउल में, बड़ा सा बाउल में ले लेंगे। और जो फिश, जो चिंगड़ी फिश जो फ्राई करके रखा था, उसको भी अभी यहाँ पे डाल दिया। और देखिए अभी थोड़ा सा जो नारियल है ये भी अभी इसमें दे देंगे। तो सारा जो इंग्रेडिएंट्स था सब एक साथ मिलके, सरसों का तेल सब एक साथ मिलके मिला के यहाँ पे एक बाउल में इसको कर लिए हैं। देखिए अब जो डाब है, डाब के अंदर का जो पानी है वो निकाल के दूसरे जगह पे कर लिया है। अब इसको बिल्कुल खाली है, देखिए अब डाब बिल्कुल खाली है। अब ये जो मिक्स करके रखा हुआ है फिश के साथ, अब एक एक करके ये डाब में ये दे देंगे और इसको पूरा फिल कर देंगे। पूरा ऊपर तक फिल करना है डाब को। ये देखिए एक एक करके पूरा इसमें दे देंगे अभी। देखिए कुछ इस तरह से लगेगा, पूरा भर भर दिया है ऊपर से मैंने, कुछ इसी तरह से लगेगा। अब जो है यहाँ पे डाब का जो ऊपर का हिस्सा एक काट के रखा था, इसको अब इसका मुंह में बंद कर देंगे। इसको बंद करके जो आटा का गोला होता है वो आटा थोड़ा इसमें दे देंगे, ताकि इसके भाप जो है वो निकले ना। ये देखिए ऐसे एक आटा का गोला लगा लेंगे। अब इसको कुकर में पका लेंगे। तो क्योंकि मेरा ये डाब बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये प्रेशर कुकर का व्हिसल का जो ढक्कन है वो नहीं लगा था, तो इसीलिए मैंने ऊपर से एक ऐसा एक ढक्कन दे दिया था, एक कटोरी टाइप का बड़ा सा। ये देखिए आप चाहे तो इसको व्हिसल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने व्हिसल नहीं लगाया इसका। तो अभी ये 20 से 25 मिनट पकेगा, तो आपको दिखाते हैं कैसा बना है। ये देखिए व्हाट ए कलर। तो ये अभी ऐसा ही बना है देखिए, और बहुत ही एक अच्छा सा एक स्मेल आ रही थी अंदर से, बहुत ही अच्छा। और ये कुकर में देख के मैंने 20 से 25 मिनट थोड़ा पानी देख के 2 कप उसके अंदर इसको देख के पकाया है। तो चलिए अभी जो गरम गरम चावल है उसके साथ ये डाब चिंगड़ी का मज़ा लेते हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ये जो रेसिपी है बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों।